हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसी टेक्नोलॉजी को हमने कंसर्ट बिल्डर सेशन में आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं 4-4 स्लोप का रैंप आया के अंदर में अगर इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है तो आप किसी से जो बात करोगे वो बहुत अच्छे फॉर्म में बात नहीं कर पाओगे, क्वालिटी बात नहीं कर पाओगे, मजा नहीं आएगा लाइफ जीने में। तो आप इस चीज का केयर करना कि हमारे पास जो कंटेंट है, हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमको कोई पढ़ाया वो 50% रिस्पॉन्सिबल है जो होने वाला है। अगला पूरा का पूरा 50% हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है, हमारी 50% आपको ये चेक करना होगा कि आपका कंफर्ट जोन कितना है। हर बार हम क्लैपिंग करने के लिए नहीं बने हैं, क्लियर। हमको अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि कुछ लोग हमारे लिए भी क्लैप कर सके। लेकिन क्लासरूम क्लासरूम एक अलग फीलिंग के साथ है, तो वो उससे मैं प्यार करता हूँ। वो मेरी ड्यूटी नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। अगर आप सोचोगे कि मेरा अंडर 100 रैंक आए, अंडर 200 रैंक आए, तो फिर उससे ना अगर आप अपने होप बढ़ा दोगे तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से कई बार ना परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। ओवरऑल मेरा जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे पढ़ने के स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेरे समझने के स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेरे एग्जीक्यूशन के स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेरे कैलकुलेशन के स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेरा मैथमेटिकल पार्ट वीक है, कि मैं लॉजिकली वीक हूँ, कि मैं कंसेप्चुअली वीक हूँ, जब तक मेरे पास पूरे पॉइंट्स नहीं होंगे तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँ। अगर आपको लाइफ में अगर ग्रो करना है और लाइफ में अगर जबरदस्त एक मुकाम पे पहुंचना है तो मेरे को लगता है कि ये एक ना लॉन्ग प्रोसेस है। आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। जो हमसे ऊपर है एक दिन हम उनको क्रॉस कर सकते हैं, जो हमसे नीचे है एक दिन वो हमको क्रॉस कर सकते हैं। ये एकदम फाइनल है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही भारी हो, आपके जैसा कोई हो ना, तो फिर आपकी प्लानिंग भी तो वैसी होना चाहिए जैसे किसी की प्लानिंग नहीं होती है। कोई किंग हो या कोई सिपाही, बट हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जब ये गेम खत्म होगा तो सबको एक ही बॉक्स में जाना। आपको पेपर में आग लगानी है तो फोकस के साथ ना उसी पॉइंट पर डटे रहना, टिके रहना, उसके लिए अपनी ना बॉडी को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपके आपको वीक एरियाज नहीं पता चलेंगे, तब तक आप उन पे वर्कआउट नहीं करोगे, तो फिर ये आपके लिए उतना एडवांटेज नहीं होगा। 16-20 मार्क्स का वेटेज होने वाला है आपका। ये बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। एनालिसिस कर लेते हैं बहुत ढंग से। अब कंपनसेटेड ग्रेडिएंट एग्जाम में देखिए, लाइक क्रिटिकल रेडियस ऑफ, और ये जो होता है एक स्लोप, यू हैव टू कंसीडर। तो यहां पर ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दिए गए थे कि आपको जितनी गलतियां करनी है आप एग्जाम से पहले कर लीजिए, एग्जाम के दिन गलती मत करिएगा। तो जब आपने गेट के लिए तैयारी चालू की तो फिर कैसे बैलेंस किया आपने अपनी रिसर्च वर्क और अपने इसको? पहले 2-3 महीने मैं रिसर्च भी करता था और गेट के लिए थोड़ा साइड में प्रिपेयर भी करता था, लेकिन लास्ट 2 महीने मैंने एक्सक्लूसिवली गेट के लिए प्रिपेयर किया, तो वो बहुत हेल्प। आपके कंटेंट के टेस्ट से ज़्यादा ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू गिव गेट एग्ज़ाम। सर, गेट एग्ज़ाम के समय जो प्रेशर रहता है उसको अगर आपको उस सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना है तो आप अपने मॉक टेस्ट में भी वो प्रेशर सोच के दीजिए। पूरी आपकी 10-15 साल जो एक्चुअल एंजॉय करने वाला टाइम होता है, यू आर लॉस्ट इन योर वर्क। कमिंग टू दिस वर्ल्ड सैक्रोसेंट, मतलब ऐसे लोग जो मतलब देवता तुल्य नहीं होते, मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब सब सही है ना, तो वो धांडे सर उस लेवल के, मतलब जो बोल रहे हैं सब सही है, तो अब सही बोलते हैं इनफैक्ट। तो ना वीकनेस हमेशा आपको ऐसी बतानी कि ना जो थोड़ी मैनिपुलेटिव हो, मतलब वीकनेस के अंदर ना हिडन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रूविंग आवरसेल्फ फ्रॉम अ जस्ट अ एलिजिबल कैंडिडेट टू अ डिजर्विंग वन। आज हम लोग एक पैनल डिस्कशन रखे हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर गेट की बुक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करें वो पीली बुक स्टार्ट करें। तो फाइनली आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक आ चुकी है। बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों के कारण जो पॉसिबल हुआ उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को, जितने भी YouTube फैमिली के जितने लोग हैं, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। जो मेरी टीम वाले जो लोग रात दिन एफर्ट करते हैं, रात दिन मतलब कुछ भी अनकंडीशनल वे में एफर्ट करते हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू।